आज एक्चुअली हमारे यहाँ एक मेहमान आए हुए हैं और हमारे बाबूजी ने हमें संस्कार दिए हैं कि मेहमान किसी के भी हों, हमारे हों या गलती से घर में आ गए हों या हमारे भाई बंधुओं के हों, लेकिन हम सबको उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो क्योंकि वो मेहमान आए हैं तो पहले तो हम यही सोचते रहे कि वो शायद मेरे पति के मेहमान हैं या मेरे देवर के मेहमान हैं। जब वो सब क्लियर हो गया कि वो हम में से किसी के मेहमान नहीं है, तो अब हमें ये लग रहा है कि शायद वो बाबूजी के मेहमान हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए। बस वही चल रहा है, वही कन्फ्यूजन है कि आखिर में वो हैं कौन। कितना आपको परेशान किए हैं वो मेहमान ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा परेशान किया। एक्चुअली मुझे तो परेशान नहीं किया, क्योंकि मेरी उनसे कुछ ज़्यादा ही जम रही है। वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा गाने गाते हैं और उनका नाम है किशोर कुमार चतुर्वेदी। तो वो किशोर कुमार से कुछ ज़्यादा ही प्रेरित हैं और गाने वाने गाते रहते हैं। तो जब भी कोई एक मुखड़ा शुरू करते हैं, मैं उसके पीछे एक लाइन लगा देती हूँ और गाना शुरू कर देती हूँ। तो मेरी उनसे काफ़ी जम रही है, लेकिन बाकी लोगों की उन्होंने नाक में दम कर रखा है। लोगों से अपनी सेवा करवा रहे हैं। मेरे पति से तो उन्होंने बर्थ भी हिलवाई, उन्होंने कभी अपने लिए बर्थ नहीं हिलाई होगी, उनके लिए बर्थ हिला रहे थे। और बाकी हम लोगों से मिठाइयाँ मंगवाई और खाने वाने बनवाए और मेहनत करवाए जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो हमसे रिलेटेड कैसे हैं। फूफा जी बोल रहे हैं अपने आप को बरेली वाले, लेकिन हमारे तो बरेली में कोई फूफा जी है ही नहीं। आपके हस्बैंड बोल रहे हैं जायदाद का कुछ इशू है कि जायदाद अभी बाकी के काम एक करने आ रहे हैं। हाँ, एक नया ट्विस्ट आया है हमारी स्टोरी में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने सुन लिया है मेरे हस्बैंड ने सुन लिया है किचन में उनको बातें करते हुए कि उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है बरेली में और जो ख़ानदानी महल है वो हमारे नाम करने वाले हैं, कोठी हमारे नाम करने वाले हैं, जायदाद भी हमारे नाम करने वाले हैं। एक्चुअली उनका एक रिलेटिव है एक तरह से, छोटू। अब वो छोटू से मिलने आए हैं। पहले तो मुझे लग रहा था कि घोटक जी ही छोटू हैं या गोमुख भैया छोटू हैं, लेकिन अगर छोटू बाबूजी हैं तो भी वो सारी प्रॉपर्टी बाबूजी के नाम होगी और बाबूजी हमारे नाम कर देंगे, यानी कि किसी भी तरीके से फ़ायदा हमारा ही है। तो अब हम अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। तो बाबूजी वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे करेंगे नहीं करेंगे? बाबूजी थोड़ा संस्कारी इंसान है, हमसे भी ज़्यादा संस्कारी हैं। हम उनके बच्चे हैं, थोड़ा सा कभी कभी बहक जाते हैं, लेकिन बाबूजी ऐसे नहीं हैं। अगर उनको कोई अपनी प्रॉपर्टी देगा, मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी अपने पास रख लेंगे। उन्होंने अपने पिता की प्रॉपर्टी भी पूरी अपने पास नहीं रखी, अपने भाई को दे दी थी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उनके फूफा जी अगर उन्हें इतनी सारी प्रॉपर्टी देंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। नुकसान है। थैंक थैंक यू।